बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद राव। तो सर, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 9th का चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का नेम है हमारे पास फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, तो लेक्चर नंबर 1 हम देखेंगे आज, और इंट्रोडक्शन को हम देखेंगे और डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो उसमें फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर आपको पता है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। उसके बाद मैटर जो डिफरेंट फॉर्म्स में पाई जाती है, जो आपके पास मैटर है इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, आफ्टर दैट गैस, और फोर्थ स्टेट जो होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा। फोर स्टेट्स हैं जी, देर आर फोर स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस एंड प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा दुनिया में तो बहुत ही रेयर है। ये अर्थ जो प्लैनेट है हमारा, प्लैनेट अर्थ पे जो है प्लाज्मा बहुत ही कम मिकदार में पाया जाता है। ठीक, तो अर्थ पे प्लाज्मा रेयर है, ना होने के बराबर है। तो ये चीज़ें अर्थ पे हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। प्लाज्मा वैसे सबसे पहले प्लाज्मा ही यूनिवर्स में डिस्कवर हुआ था, और यूनिवर्स सारी जो प्लाज्मा से मिलकर बनी हुई है। ये जो यूनिवर्स है, ये कायनात है, डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं, सन की बात कर लें उसमें भी बहुत सारा प्लाज्मा है। तो यूनिवर्स में प्लाज्मा बहुत ज़्यादा मिकदार में है, लेकिन अर्थ की बात करें अगर, तो अर्थ में प्लाज्मा ना होने के बराबर है। तो प्लाज्मा केमिस्ट्री में हमने इतना ही डिस्कस करना है, प्लाज्मा हमने डिस्कस नहीं करना। प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो हमने तीन चीज़ों पे फोकस करना है इस चैप्टर में, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो गैस कहते हैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, गैस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। आफ्टर दैट ये लिक्विड्स हैं लेस कॉमन हैं, दे आर लेस कॉमन, ज़्यादा मिकदार में नहीं है। और सॉलिड्स जो हैं वो कॉमन है, ज़्यादा मिकदार में जो अर्थ है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है हमारे पास। ठीक है, तो ये लिक्विड्स क्यों लेस कॉमन है, सॉलिड्स क्यों ज़्यादा मिकदार में हैं, तो इसकी वजह क्या है स्टूडेंट? वजह यह है जो लिक्विड्स होते हैं ना, लिक्विड्स जो है इनकी टेम्परेचर रेंज बहुत कम है, इनके एग्जिस्ट करने की टेम्परेचर रेंज बहुत ही कम है लिक्विड्स की। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है वाटर के बारे में, वाटर, अब देखिए वाटर लिक्विड फॉर्म में कब रहेगा? वाटर जो है 0 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर आप टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड कर देंगे तो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 0 सेंटीग्रेड पे जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 सेंटीग्रेड पे इसका मतलब है कि टेम्परेचर है, ठीक, इस टेम्परेचर से नीचे वो लिक्विड नहीं रह सकता, वाटर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट अगर आप उसी को गर्म करें, वाटर को गर्म करें 100 सेंटीग्रेड पे, तो 100 सेंटीग्रेड पे क्या होता है, जो वाटर है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके वेपर्स भी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो 100 सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट, इसका मतलब है ये लेस कॉमन है, और ये इसकी टेम्परेचर रेंज बहुत कम है। एग्जिस्टेंस, इसकी एग्जिस्टेंस यानी कायम रहने की, अपनी स्टेट को बरकरार रखने की जो रेंज है टेम्परेचर की, वो कम है, इस वजह से दे आर लेस कॉमन। उसके बाद बड़ी अहम बात जो है इंट्रोडक्शन में आपको बताई गई है वो ये है कि अब कोई चीज़ गैस क्यों होती है, कोई चीज़ लिक्विड क्यों है, और कोई चीज़ सॉलिड क्यों होती है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह से गैस में क्या होता है, गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो मालिक्यूल्स की अगर बात करें, या पार्टिकल्स कह सकते हैं, तो पार्टिकल ऑफ गैस आर वेरी फार अपार्ट, इनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, दूर दूर होते हैं गैस के पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, जो भी चीज़ें, उसे जनरली हम पार्टिकल्स कहते हैं। तो पार्टिकल्स की अगर बात करें तो गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, तो हम कह सकते हैं एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या आती है,
एम्प्टी स्पेस होती है, खाली जगह होती है। उसके बाद इनके दरमियान वेरी वेरी वीक IMF इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती है। ठीक है, ये दूर दूर क्यों हैं गैस के मालिक्यूल, करीब करीब क्यों नहीं आ जाते, एक दूसरे अटैच क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि इनके दरमियान वेरी वेरी वीक इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर इनके दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, जो लास्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक है। दैट्स वाई गैस के मालिक्यूल जो है दूर दूर होते हैं और इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस हैं, दूर दूर हैं एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह हैं इनके दरमियान, ये दैट्स वाई ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, जैसे इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हों, एम्प्टी स्पेसेस हों, वैसे ही उसकी फिजिकल स्टेट होती है। तो इसलिए जितने भी गैस वाले हैं, गैस में ऐसे होता है। आफ्टर दैट लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में ये देखें, लिक्विड्स में पार्टिकल जो पास पास होते हैं, करीब करीब होते हैं, लेकिन बहुत ही कम उनके दरमियान होती हैं एम्प्टी स्पेसेस, लेकिन कम होती हैं। तो लिक्विड से पार्टिकल इस तरह एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मैंने शेप बनाई है, पार्टिकल होते तो बिल्कुल पास पास हैं, लेकिन इनमें फिर भी इनके दरमियान क्या होती है, एम्प्टी स्पेसेस पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि लिक्विड्स में मॉडरेट इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस होती है, दरमियाने दर्जे की इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस होती है, और निगलिजिबल एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी स्पेसेस जो है ना, लिक्विड जो है, लिक्विड क्या पार्टिकल्स को देखें, मुशाहिदा करें, तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो वो ज़रा पास पास होते हैं, उनके दरमियान बहुत ही कम एम्प्टी स्पेसेस होती है। उसका सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड, दे आर नाइसली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन दैम। ठीक, इनके दरमियान कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होती, बिल्कुल ये नाइसली एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। तो इस तरह सॉलिड्स होते हैं। तो सॉलिड्स में क्या होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और ऑलमोस्ट नो एम्प्टी स्पेसेस, ऑलमोस्ट नो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। तो इन बातों का आपने जहन में रखना, ये बातें पूरे चैप्टर में हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। गैस के मालिक्यूल दूर दूर होते हैं, गैस के मालिक्यूल जो एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ही वीक इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। लिक्विड के मालिक्यूल पास पास होते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी इनके दरमियान निगलिजिबल एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, और मॉडरेट इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस कह सकते हैं। ठीक, आफ्टर सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और नो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो सुनो, ये हमने देखा इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन जो हमारे चैप्टर में दिया हुआ है उसमें सारी यही बातें लिखी गई हैं कि लिक्विड्स कैसे होते हैं, सॉलिड्स कैसे होते हैं और गैसेस कैसे होते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन को एक बार पढ़ लेते हैं, बुक के हमने यहाँ पैराग्राफ लिखे हुए हैं, देखते हैं स्टूडेंट। ये देखें, ये बुक में फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें कह रहे हैं मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स। तो तीन फिजिकल स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करती है, तो प्लाज्मा इसमें नहीं है, तो प्लाज्मा आपका नहीं है, फिजिक्स में है और हायर क्लासेस में है। तो अभी आपने फोर नहीं करना, क्योंकि अगर आपका आ गया MCQ बोर्ड के एग्जाम में तो आप थ्री को ही टिक करेंगे, क्योंकि हमारी बुक में थ्री लिखा हुआ है। ठीक, तो कह रहे हैं मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स, मैटर जो है थ्री फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, तीन है जी। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज द गैशियस स्टेट, गैशियस स्टेट जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, अभी हमने डिस्कस किया। लिक्विड्स आर लेस कॉमन, लिक्विड जो है कम है, लेस कॉमन है, कम मिकदार में है दुनिया में। एंड मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट इन द सॉलिड, और ज़्यादातर जो दुनिया में मैटर पाया जाता है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। ठीक, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं अभी। उसके बाद कह रहा है मैटर इन गैशियस स्टेट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो अगर गैस फॉर्म में हो, मैटर गैस की कोई शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता। अब आपका गैस है ना, गैस की कोई शेप नहीं है, फर्स्ट इस रूम में भी तो गैस है, इस रूम में एयर है, अब एयर में कितनी सारी गैसें हैं, एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, कि तमाम गैसेस जो है मिक्स होती हैं तो एयर बनती है। तो अब इस रूम में एयर है, अब उसकी कोई शेप नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है। जितना बड़ा कमरा होगा वो एयर जो है उतने बड़े कमरे में फैल जाएगी, छोटा कमरा होगा तो छोटे कमरे में फैल जाएगी, उसी कमरे में मौजूद रहेगी। तो जो गैसेज होती हैं उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, कोई शेप नहीं होती, नो शेप नो वॉल्यूम। ये आप ध्यान में रखेंगे, गैसेस
जो गैसेस होती हैं, गैसेस गैसेस की नो शेप नो वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम नहीं होता, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एंड नॉट हैव डेफिनेट ऑक्यूपाई, देयरफॉर गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। गैसेस को जितनी भी जगह मिलती है वो पूरी जगह में फैल जाती है, ठीक है। फर्स्ट करें ये आपका रूम है, इसमें आप ऑक्सीजन गैस ले आए, 1 kg ऑक्सीजन गैस आप इस कमरे में इंटर कर दें, 1 kg, तो ऑक्सीजन गैस जल्दी से पूरे कमरे में फैल जाएगी। बड़ा कमरा होगा बड़े कमरे में फैल जाएगी, और बड़ा होगा हॉल होगा उसमें फैल जाएगी। तो वो जितनी भी उसको जगह मिलती है ना गैस को, पूरी जगह में गैस जो है फैल जाती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं, तो दैट्स व्हाई वो सारी जगह ऑक्यूपाई कर देती है। देयर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक, ठीक, बहुत ही वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं गैसेस में। प्रेशर इज सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, और प्रेशर जो है ये भी बहुत अहम प्रॉपर्टी है गैसेस की। गैसेस जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो बड़ा इफेक्ट होता है गैसेस पे, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक, प्रेशर बढ़ाने से। और चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि गैस के डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक, गैसेस के कुछ लॉज हैं उनमें ये चीज़ें सारी इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम, कि प्रेशर से क्या होगा गैस पे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम करेंगे तो क्या होगा। तो प्रेशर जो है बड़ी सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है गैसेस की, गैसेस प्रेशर पर डिपेंड करता है, गैसेस का वॉल्यूम चीज़ें, ठीक। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ द गैसेस हैज बीन स्टडीड क्वाइट एक्सटेंसिवली। तो क्या इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि गैसेस पे इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का, प्रेशर का, ठीक है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें आपने जस्ट पढ़ लेनी है ताकि आपका माइंड बन जाए कि इस चैप्टर में हम क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। उसका लिक्विड स्टेट हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हिंस इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, ठीक। तो क्या है लिक्विड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, स्ट्रॉन्ग इस सेंस में कह रहे हैं गैसेस की नस्बत ज़्यादा होती हैं, सॉलिड्स की नस्बत कम होती है। तीनों कंपेयर करें तो दरमियाने दर्जे की मॉडरेट जो है वो लिक्विड में होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आपने ये कहा लिक्विड में स्ट्रॉन्ग है, ठीक, गैसेस की नस्बत स्ट्रॉन्ग है, या फिर ऐसे याद कर लो लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग है, गैसेस में बहुत वीक होती है, गैसेस में बहुत ही, गैसेस में वेरी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, गैसेस में वेरी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, लिक्विड स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्ट्रॉन्ग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सॉलिड से स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें होते हैं सॉलिड्स में, वेरी स्ट्रॉन्ग, यूँ कर लें वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये चीज़ ध्यान में रख लें। गैसेस में वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सॉलिड में वेरी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और लिक्विड्स के लिए आप मॉडरेट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी बुक ने जो इस्तेमाल किया हम वही करेंगे। लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा, वो क्या है लिक्विड्स का मैस तो होता है, सॉरी क्या कह रहे हैं एक मिनट, यहाँ से है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप। वॉल्यूम तो है उसका, गैस का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है, फर्स्ट क्या किसी आपके बर्तन में आपने दूध लिया है, लिक्विड है दूध, तो उसका जाहिर बात है वॉल्यूम होगा, आप कर सकते हैं वॉल्यूम उसका मेजर कर सकते हैं, ठीक, हाइट वेथ और लेंथ को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, लेकिन इसकी शेप कोई नहीं होती। जिस बर्तन में आप लिक्विड को डालेंगे वैसे ही बन जाता है, ठीक, गिलास में डालेंगे तो लिक्विड जो है गिलास की तरह ऐसे लंबा हो जाएगा, लॉन्ग उसकी शेप आ जाएगी, कोई देगची ले लेंगे देगची में ऐसे लिक्विड फैल जाएगा, तो इसका मतलब कोई शेप नहीं होती लिक्विड की, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हैं लिक्विड्स का। कैट अटेन द शेप ऑफ कंटेनर, जिस बर्तन में डालते हो लिक्विड उसी बर्तन की जैसी शक्ल होती है वैसी शेप में आ जाता है। इन विच इज कैप्ट, जिसमें आप रखते हो जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन जैसा हो जाता है लिक्विड। लिक्विड एवेपोरेट एंड देयर वेपर एग्जर्ट प्रेशर, लिक्विड जो एवेपोरेट होते हैं, ये प्रॉपर्टियाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लिक्विड्स जो एवेपोरेट होते हैं, जैसे हमारे कपड़े जो सूख जाते हैं, क्यों सूख जाते हैं, उसका पानी जो एवेपोरेट हो जाता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो लिक्विड में एवेपोरेशन की सलाहियत है, और वो वेपर प्रेशर भी एग्जर्ट होता है, वेपर एग्जर्ट प्रेशर, और वेपर्स का प्रेशर भी होता है, ये चीज़ें हम इस चैप्टर पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, इट्स बॉयल्स लिक्विड, और लिक्विड बॉयल कब होता है, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ हम इस बात को, बड़ी अहम बात है, यहाँ भी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप हम एक्सप्लेन करेंगे, टॉपिक आएगा बॉयलिंग पॉइंट, बॉयलिंग पॉइंट का टॉपिक आएगा
इस चैप्टर में, वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि लिक्विड कैसे बॉयल होता है। तो भाई यहाँ आप जस्ट रीडिंग कर लें, यहाँ से अब आप ये देख लें कि जब वेपर प्रेशर पर लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो लिक्विड बॉयल हो जाता है। नहीं तो ये फिलहाल हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि बॉयल्स का सारा टॉपिक ही यही है। क्या लिक्विड आर लेस मोबाइल दैन गैसेस? गैसेस जो हैं ज़्यादा मोबाइल होती हैं, यानी गैसेस के मालिक्यूल ज़्यादा तेज़ से हरकत करते हैं। लिक्विड्स के मालिक्यूल मोबाइल तो होते हैं लेकिन कम मोबाइल होते हैं। मोबाइल मीन उनकी हरकत, उनकी स्पीड, मोशन कम है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स की जो मोशन है कम है एज़ कम्पेयर टू गैसेज। गैसेज के मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। गैस तो मिनट में फैल जाएगी पूरे कमरे में, इतने मोबाइल, मोबाइल मीन हरकत में होना, किसकी ज़्यादा हरकत है। काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा है? गैसेज में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, लिक्विड्स में कम है। तो इसलिए गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं जल्दी जल्दी फैलते हैं, दे डिफ्यूज स्लोली। क्या लिक्विड्स आर लेस मोबाइल दैन गैसेस? लिक्विड्स जो हैं गैसेस के नस्बत कम मोबाइल होते हैं, कम हरकत करते हैं, देयरफॉर दे डिफ्यूज स्लोली। तो वो डिफ्यूज भी स्लोली होते हैं। डिफ्यूज कहते हैं फैलना, डिफ्यूज का मतलब फैल जाना। ठीक, तो वो फिर डिफ्यूज भी स्लोली होते हैं। पढ़ लेंगे सारी बातें। सॉलिड स्टेट है डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। अब सॉलिड्स हैं उनकी ख़ास शेप होती है, ख़ास वॉल्यूम होता है। जैसे चेयर है, मेरे सामने चेयर्स पड़ी हैं। ठीक, अब चेयर का देखिए ख़ास वॉल्यूम है, हम मेजर कर सकते हैं इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट से इसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। इसकी ख़ास शेप है, मुझे नज़र आ रही है शेप इसकी। तो सॉलिड्स का वॉल्यूम भी होता है, शेप भी होती है। दे आर रिजिड, ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, एंड डेंसर दैन लिक्विड एंड गैसेज। और इनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है लिक्विड से भी और गैसेज से भी। ठीक, डेंसिटी क्या होती है जी? डेंसिटी होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी डिपेंड करती है मास पे और वॉल्यूम पे, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है ज़्यादा है इसकी, सॉलिड्स की। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स का मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा। डेंसिटी और मास में क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, और डेंसिटी और वॉल्यूम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। ठीक, यानी अब कम वॉल्यूम होता है सॉलिड्स का, वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होगा सॉलिड्स का तो डेंसिटी ज़्यादा, मास ज़्यादा होता है सॉलिड्स का, मास ज़्यादा तो डेंसिटी भी ज़्यादा। तो डेंसिटी होता है मास और वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो ज़्यादा होती है इनकी, दे एग्जिस्ट इन एमॉर्फस एयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। और ये जो आपके जो हैं सॉलिड्स, ये एमॉर्फस फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक, एमॉर्फस मीन शेपलेस सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जिनकी कोई शेप ना हो, जैसे मोमबत्ती है, गिलास है। ठीक, आप उन्हें गर्म करके उनकी शेप ख़राब कर सकते हैं, जिस वाली शेप में उनको ढाल लें। तो एमॉर्फस मीन शेपलेस सॉलिड्स, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मीन ऐसे सॉलिड जिनकी ख़ास शेप हो, उन्हें क्रिस्टलाइन कहते हैं। यहाँ जैसे मैंने आपको मीनिंग बताए हैं इन वर्ड्स के, तो इस चैप्टर के में ये डिटेल में हम पढ़ेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो इसमें इंट्रोडक्शन है, एक पैराग्राफ गैसेस के बारे में है इंट्रोडक्शन, एक पैराग्राफ लिक्विड्स और एक पैराग्राफ सॉलिड्स के बारे में। इसको जैसा आप रीड करेंगे दो तीन दफ़ा अच्छी तरह, ताकि आपको हेल्पफुल हो, थोड़ी सी बातें आप सीखेंगे, कुछ एमसीक्यूज के हवाले से भी आपको मदद मिलेगी इस पैराग्राफ से। इससे यह कि आपका माइंड बनेगा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमारा हो गया इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम देखते हैं जी टिपिकल, अब गैसेस का पहले पोर्शन है, टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो इसमें हम चैप्टर में पहले डिटेल से गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, आफ्टर दैट लिक्विड्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और फिर सॉलिड्स के बारे में। तो पहला पोर्शन है गैसेस का, तो गैसेस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है, टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो पहले जो टिपिकल प्रॉपर्टी है, ख़ास खसूसियत, टिपिकल मीन ख़ास खसूसियत गैस की, वो जो पहली ख़ास खसूसियत है गैस की, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। बड़ी अहम बात है, जहन में रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है गैसेज जो फैल जाती हैं और आपस में मिक्स हो जाती हैं जल्दी से। गैसेज जो हैं जल्दी से फैलती हैं और मिक्स हो जाती हैं एक दूसरे में, वो मिक्स हो जाती हैं और वो क्या बनाती हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, एक जैसा मिक्सचर बनाती है। यानी जब दो या तीन गैसें लें और जल्दी से मिक्स करें, वो मिक्स हो जाएंगी। मिक्स होने का बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है
क्यों हर जगह पे हर गैस बराबर मिकदार में मौजूद होगी जितनी भी आप गैसें मिक्स कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल सुनिए, ये रूम है, ये रूम है, इसमें गैस है। फॉर एग्जांपल इस रूम में क्या है, गैस। तो ये उस रूम का डोर है, तो आप क्या करते हो, इस डोर से, ये डोर है, दरवाज़ा है, इसमें से एक और गैस आप इंटर करते हो, ठीक। एक और गैस आपने, ये रेड कलर से मैं शो करा रहा हूँ, ये आपने एक और गैस में इंटर कर दी। तो ये रूम में एयर है, फर्स्ट का रूम में ये ब्लैक ब्लैक जो एयर है, हवा है, हवा भी एक गैस है, ठीक। तो हवा भी मिक्सचर, हवा में बहुत सारी गैसें मिक्स होती हैं, तो ये एयर है रूम में। तो आपने क्या किया, इस डोर से आपने फर्श करें कोई और गैस, फर्श करें ऑक्सीजन, कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस यहाँ इंटर कर दी, तो रेड कलर की ऑक्सीजन है। तो बहुत ही जल्दी तेज़ी के साथ स्पॉन्टेनियसली कुछ देर बाद आप देखेंगे खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद ये जो गैस है ये जल्दी से पूरे उसमें फैल जाएगी। देखिए पहले इसमें एयर थी, पहले इसमें एयर थी, तो स्पॉन्टेनियसली जल्दी से ये आपकी जो दूसरी गैस आपने इंटर की, ऑक्सीजन गैस रूम में इंटर की, ये स्पॉन्टेनियसली जल्दी से पूरे रूम में फैल जाएगी। रैंडम मोशन करेगी ये, क्या करेगी, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन करेगी ये गैस, ये देखिए फैल गई। रैंडम मोशन है कोलिजन्स के थ्रू, यानी अभी गैस रैंडम बेतरतीबी हरकत करेगी, कोलिजन करेगी, इनसे टकराएगी, ठीक। गैस के मालिक्यूल जो हैं वो जो अंदर पहले ऑलरेडी गैस है उसके मालिक्यूल, और ये नई गैस आपने इंटर की इसके मालिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे, रैंडम बेतरतीबी हरकत करेंगे, और जल्दी से ये मिक्स हो जाएगी, दोनों गैसें जल्दी से मिक्स होकर ऐसे बन जाएंगी। अब ये क्या, इसका मतलब ये क्या बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर, क्या ये बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मिक्सचर भी दोनों गैसें पूरे रूम में प्रॉपरली फैल गई है, ये जो गैस आपने इंटर की है ये प्रॉपरली पूरे रूम में फैल गई, हर जगह बराबर मिकदार में ये गैस अब मौजूद है, ठीक है। तो इसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, यक जान अमेजा उर्दू में कहते हैं, यक जान, एक जान जैसा, एक जान, यक जान का मतलब यही, पूरे उस रूम में हर जगह बराबर मिकदार में वो गैस फैल जाएगी जो आप इंटर करेंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ठीक। डिफ्यूजन का मतलब गैसेस का फैलती हैं जल्दी से और आपस में गैसेस मिक्सअप हो जाती हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं, इट इज़ कॉल्ड, इज दिस प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। उसके बाद दूसरी बात, डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, डिपेंडेंस है मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है, ये किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास। डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, डिफ्यूजन का जो प्रोसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास पे, अगर किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा यानी इसमें ऐसे कह रहे हैं, अगर आपकी मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो वो जो है ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज करेगी, ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी गैस, ठीक, क्योंकि हल्की है ना, उसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप कह रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कह दें क्या कह दें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मॉलिक्यूलर मास, अगर किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, वो गैस भारी है, भारी है तो वो आराम आराम से उससे तो हिला ही जाएगा, मोटे शख्स को मोटा सा इंसान हो उससे तो हिला ही जाता, उसके अदर हैंड को स्मार्ट सा इंसान हो वो तेज से चलता है, थकता भी नहीं है, थी। तो यहाँ भी वो इस कॉन्सेप्ट है कि जो भारी गैसेज हैं वो डिफ्यूज स्लोली होती हैं क्योंकि उनकी हरकत करने की सलाहियत कम है, हरकत करने की सलाहियत कम होगी तो डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ठीक। तो हल्की गैसें हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बहुत तेज़ी से हरकत करती है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास जस्ट वन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास वन है, तो वो तेज़ी से हरकत करेगी और जल्दी डिफ्यूजन करेगी, जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी, जल्दी फैल जाएगी, जल्दी मिक्सअप हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड कोई भारी गैस है अगर, जैसे ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा में भारी है, उसका मास है 16, तो ऑक्सीजन जो है जाहिर बात है आराम आराम से डिफ्यूज़ होगी। तो
जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पे। अब देखिए जो आपकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डिफ्यूजिस 4 times फास्टर देन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस जो है 4 times ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कम है, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो तेज़ी से डिफ्यूज होगा। तो सारी बातें स्टूडेंट समझ आ गई होंगी आपको डिफ्यूजन के बारे में। देखते हैं डिफ्यूजन क्या। डिफ्यूजन गैसेस कैन डिफ्यूज वेरी रैपिडली। गैसेस जो है बहुत तेज़ी से, रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से, स्पीड से, रैपिडली मीन तेज़ी के साथ, जल्दी से। गैसेस कैन डिफ्यूज, गैसेस हैं फैल सकती हैं, फैलती हैं वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं। गैसेस बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं। अब देखिए डेफिनेशन आ गई डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन इज द डिफाइंड एज, डिफ्यूजन को आप तारीफ इस तरह कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का खुद ब खुद मिक्सअप हो जाना। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का, गैस के मॉलिक्यूल्स का, या गैस की बात हो रही है, गैस पढ़ रहे हैं, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद ब खुद आपस में मिक्स हो जाना बाय रैंडम मोशन कोलिजन, बेतरतीबी हरकत करके। रैंडम मोशन कहते हैं बेतरतीबी हरकत, बेतरतीबी हरकत करके और कोलिजन और टकराव करके, टकरा के एक गैस के मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल टकराएगा, तो दूसरा तीसरा टकराएगा, तो ये आपस में गैस के मॉलिक्यूल टकराएंगे, कोलिजन करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, और क्या बना देंगे? टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। और क्या बन जाएगा हमारे पास? होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डेफिनेशन याद करेंगे उसका, एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपने देना है, एग्जाम्पल आपने सिंपली देंगे कि जो आपकी एयर है, एयर की एग्जाम्पल दे दें। हमारी बुक में इसकी एग्जाम्पल नहीं दी हुई, हमारी बुक में डिफ्यूजन की एग्जाम्पल गिवन नहीं है। तो अगर हमारी बुक में नहीं है तो हमने जो आप याद कर लेंगे वैसे एहतियातन, वो आप ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। ये लिखेंगे एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज, यानी कुछ गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर वो एयर है। और एयर क्यों बना है? क्योंकि डिफ्यूजन है तो एयर है, एयर तभी बनेगी, डिफ्यूज होगी गैसें आपस में, होमोजेनियस मिक्सचर तभी बनेगा ना। तो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, ये आप एग्जांपल में देंगे डिफ्यूजन की एग्जांपल। ये डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक ये एग्जांपल दे देंगे। तो आपने नॉर्मली याद यही करनी है डेफिनेशन और एग्जांपल, बाकी बातें जैसे आप रीडिंग के लिए पढ़ लेते हैं। क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस? अगर मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट कहते हैं स्पीड, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस, लाइटर गैसेज डिफ्यूज रैपिडली देन हैवियर वंस। जो हल्की गैसें होती हैं वो तेज़ी से डिफ्यूज होती हैं एज कम्पेयर टू हैवियर वंस, भारी गैसों की नस्बत। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन डिफ्यूज 4 times फास्टर देन ऑक्सीजन। कि अगर आपको हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस 4 गुना तेज़ी से डिफ्यूज होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। आफ्टर दैट आपका ख़त्म हो गया डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के बाद नेक्स्ट देखते हैं इफ्यूजन। अब इफ्यूजन भी वैसे ही प्रोसेस है डिफ्यूजन है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें क्या होता है, जो गैस है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है बाय पासिंग थ्रू अ टाइनी होल, बाय पासिंग थ्रू अ टाइनी होल। जैसे फर्स्ट कहें टायर है, अब इस टायर में हवा भरी हुई है, जो आपका मोटरसाइकिल का टायर है या गाड़ी का टायर है उसमें बहुत सारी हवा भरी होती है। देखो अब इतनी हवा होती है टायर में कि वो बिल्कुल सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड, वो क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है टायर को आप दबाएं लगता है सॉलिड पत्थर है, ऐसे इतना हार्ड होता है। उसकी वजह क्या है? वो जो टायर होता है ना हमारे पास मोटरसाइकिल का या गाड़ी का, जो भी टायर है उसमें बहुत ज़्यादा हवा भरी होती है प्रेशर के साथ,
तो अब देखिए टायर है मोटरसाइकिल का या गाड़ी का, तो इसमें हवा भरी हुई है, तो फर्स्ट करें कील लग गया, क्या लग गया, कील। अब कील लगा तो यहाँ पे सुराख हो गया, होल हो गया। अब इस टाइनी होल से गैस जो है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है बाय पासिंग थ्रू अ टाइनी होल। गैस का छोटे से होल में से, टाइनी होल में से गुजर के हायर कंसंट्रेशन वाले इलाके से कम कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ मूव करना, इसको हम कहते हैं इफ्यूजन। क्या कहते हैं, इफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन का मतलब देखिए यहाँ बहुत सारी गैस है, टायर के अंदर बहुत ज़्यादा गैस है। अब उसके बाद एयर है, एयर में गैस कम मिकदार में है, एयर में प्रेशर कम है, गैस का कम गैस है एयर में, ठीक। लेकिन टायर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का वर्ड इस्तेमाल कर लें, तो इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है टायर के अंदर, एयर की यानी जो एयर है इसके अंदर हवा भरी हुई है, इसमें ज़्यादा मिकदार में गैस की कंसंट्रेशन टायर में। और बाहर एयर जो है, बाहर जो इलाका है बाहर टायर के इर्द गिर्द जो हवा है, हमारी एयर स्पेस है, इसमें जो है बहुत कम कंसंट्रेशन होती है गैसेस की, ठीक। तो इसीलिए अब गैस जो लगेगा कील, टायर में कील लगा, होल हो गया, सुराख हो गया, तो इस सुराख से गैस जो जल्दी से बाहर निकलेगी प्रेशर से जल्दी से, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है ना सुकून से, यहाँ कम है प्रेशर, यहाँ ज़्यादा है, तो यूँ निकलेगी गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम इफ्यूजन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इफ्यूजन। यानी गैस का स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना, स्केप, ठीक, बाहर निकलना, गैस के मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना, स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैस के मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना बाय पासिंग थ्रू अ टाइनी होल, छोटे से सुराख में से गुजर के, इसको हम क्या कहते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इफ्यूजन। तो सर ये एक एग्जांपल होगी, टायर जब पंचर होता है ये भी इफ्यूजन का प्रोसेस है। उसके अलावा देखते हैं कि नॉर्मली जो हम बर्थडेज करते हैं शाम में रात में, तो गुब्बारे हम जो फैलाते हैं बैलून्स देखिए बड़े बड़े होते हैं रात को, तो रात को बैलून्स बड़े बड़े होते हैं, तो बर्थडे हम करते हैं जैसे छोटे बच्चों की, तो सुबह के टाइम देखेंगे या एक दो दिन बाद देखिए तो बैलून इतना बड़ा है तो छोटा सा हो जाएगा बेचारा। तो छोटा सा क्यों हो जाता है बैलून, क्योंकि उसमें बैलून में बिल्कुल टाइनी टाइनी होल्स होते हैं जो हमें नज़र भी नहीं आ रहे होते, और वही जो टाइनी होल्स होते हैं उन्हीं में से जो है वो निकलती रहती है गैस आहिस्ता आहिस्ता, और वो आहिस्ता आहिस्ता गुब्बारा जो है उसका साइज़ कम होता जाता है, तो वो भी इफ्यूजन का प्रोसेस है। तो इसे इफ्यूजन कहते हैं, इसमें बहुत ही आसान सी बात, यानी डिफ्यूजन और फ्यूजन में इतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं, बस यहाँ टाइनी होल का चक्कर है, टाइनी होल। डिफ्यूजन में भी गैस हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करती है, डिफ्यूजन में भी गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करती है, इफ्यूजन में भी ऐसे होता है। लेकिन यहाँ रोला है सिर्फ टाइनी होल का, छोटा सा ये सुराख है, यहाँ फर्क है। तो देखिए इफ्यूजन, इट इज़ एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल, छोटे से सुराख में से स्केप बाहर निकलना गैस के मॉलिक्यूल्स का इनटू स्पेस, स्पेस में विद लेसर प्रेशर, जहाँ पे कम प्रेशर होता है, स्पेस में कम प्रेशर होता है तो कम प्रेशर में गैस चली जाती है। डेफिनेशन एग्जांपल, व्हेन टायर गेट्स पंचर एयर फ्यूज राइट, टायर पंचर होता है तो एयर इफ्यूज होकर बाहर निकलती है, ये भी मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करती है, इफ्यूजन आल्सो डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, लाइटर गैस इफ्यूज फास्टर देन हैवियर वंस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।